दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों मैं हिमांश, क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ दोस्तों। छोटी सी वीडियो रहेगी है, ये वीडियो रहेगी दोस्तों एसबीआई क्लर्क की सैलरी कितनी होती है उसके ऊपर। तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट आपको सैलरी स्लिप बताऊँगा कि एसबीआई क्लर्क की कितनी सैलरी है। अभी मार्च की सैलरी स्लिप अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें डीए होता है, बेसिक पे कितना है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है नहीं मिलता है, और इसके अलावा आपको पेट्रोल, न्यूज़पेपर, फ़ोन के भी कितने कितने रुपए मिलते हैं अलग से, तो वो मैं सारे बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखना और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब किया करो आप। और इसी चैनल पर दोस्तों एसबीआई क्लर्क की तैयारी के लिए मैंने सारी क्वांट रीजनिंग उनकी डिटेल वीडियो डाल रखी है दोस्तों, और जीए की भी स्टैटिक की मैंने वीडियो डाल रखी है, कैपिटल करेंसी, हेडक्वार्टर, इन सब की। और दोस्तों ये सैलरी स्लिप की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको, अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई क्लर्क की सैलरी कितनी है। तो आपको क्या ये वीडियो थोड़ी बूस्ट करेगी, आपको आपको अपने एफर्ट ज़्यादा डाल लेंगे आप खुद से कि हाँ अपन को सैलरी स्लिप पता चल गई, तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप अपना एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा डालो दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अभी से देखो तो जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास आपको ज्वाइनिंग ही मिल जाएगी, तो कितना फास्ट प्रोसेस है। तो पूरा 100% दो अपना ज़्यादा से ज़्यादा, और अब मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट सैलरी कितनी है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों देखो एसबीआई क्लर्क की, देखो मार्च की सैलरी स्लिप है, देखो मार्च सैलरी स्लिप, ठीक है? अब क्या है ये बेसिक पे कितना है इसका, बेसिक पे एसबीआई क्लर्क का है 19,900। फिर इसके अंदर डी एल एंस अलाउंस कितना है दोस्तों, 6,352.21। फिर हाउस रेंट अलाउंस कितना है दोस्तों, 2,091। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 रुपये। स्पेशल अलाउंस कितना है, 3,263.60। और फिर है स्पेशल पे न्यू, ये 500 रुपये है, ठीक है? अब बात करते हैं टोटल कितने हो गए, ये टोटल है 32,706 रुपये, ठीक है? इतनी सैलरी है आपकी। अब इसमें दोस्तों डिडक्शन भी होता है, तो डिडक्शन पेंशन फंड में कितना डिडक्शन होता है, वो हुआ है 2,575 रुपये, इतना डिडक्शन, ठीक है? अब डिडक्शन के बाद आपकी टोटल सैलरी कितनी हो रही है, वो हो रही है 230,132 रुपये, ठीक है? और इसके अलावा और क्या क्या मिलता है दोस्तों, वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा क्या क्या मिलता है उसके बारे में अलग से लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है? तो इसके अलावा क्या मिलता है दोस्तों, इसके अलावा मिलता है आपको, मिलता है इसके अलावा 10 लीटर पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, कितने, 10 लीटर पेट्रोल के, ठीक है? तो ये कितने हो गए, ये 1,000 हो गए, अभी तो 100 रुपये लीटर चल रहे हैं, ठीक है? फिर 360 रुपये मिलते हैं अपन को न्यूज़पेपर के, ठीक है? न्यूज़पेपर के फिर और 360 और मिलते हैं दोस्तों, वापस मैं फिर यूज़ करता हूँ रुको। फिर 360 मिलते हैं अपन को फ़ोन के, ठीक है? तो ये 360 1,000 इनको ऐड करके कितने हो रहे हैं दोस्तों, ये हो रहे हैं 1,720, ठीक है? 1,720 हो रहे हैं लगभग, तो जो सैलरी है ना उसमें 1,720 और ऐड कर लो आप, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट सैलरी कितनी है, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये 30,132 में 1,720 जोड़ लो तो लगभग आपकी 32,000 सैलरी मिल जाएगी मंथली, ठीक है दोस्तों? तो ये वीडियो आपके लिए सही रहेगी। अभी मैं LIC असिस्टेंट की जो नई सैलरी स्लिप आई है ना रिवाइज्ड, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी देख लेना आप, ताकि ये वीडियोस के आपको बूस्ट करेगी और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप अपना 100% एफर्ट दोगे, ठीक है दोस्तों? और एसबीआई क्लर्क की अच्छे से तैयारी करते रहो। हैव ए नाइस।